freshly trained youths from Jammu and Kashmir were on Saturday recruited into the army at a passing out parade at Rangreth in the outskirts of Srinagar city. The first such parade of the force after the erstwhile state became the Union Territory. The passing out parade of the soldiers belonging to different areas of Jammu and Kashmir was conducted at the regimental center of Jammu and Kashmir Light Infantry. Congratulating the new recruits, Lieutenant General Dhillon impressed upon selfless service towards the nation. The parade, which was reviewed by the General Officer Commanding of Srinagar-based Chinar Corps, Lieutenant General KJS Dhillon, was attended by hundreds of parents and relatives of the young soldiers. सब शपथ ली है कि देश की सेवा करेंगे अच्छी तरीके से और देश के संविधान जो भी हमें काम मिलेगा टारगेट मिलेंगे वो हम पूरा करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि मैं आज कामयाब हुआ, मेरी जो जिंदगी का मकसद था आज वो मुझे पूरा। बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, जितने भी जेंट के दूसरे बेरोजगार हमारे भाई बहन हुए और फौज में आए, ज्यादा से ज्यादा देश की रक्षा करें। हमें ये गर्व महसूस हो रहा है कि हम देश की रक्षा के लिए ये जेकलाई हमारे अपने कंधे पे लगाई और हम अपनी जी जान से देश की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय जेकलाई। इलियास साहब थ्री जैकलाई के एक बहुत बहादुर ऑनररी कैप्टन साहब रिटायर हुए हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो है एवलांच में किसी को भी रेस्क्यू करने की काबिलियत। इनके तीन टेन्योर हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में रह चुके हैं, ये दो सेना मेडल ले चुके हैं, पांच बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के कमेंडेशन कार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये जैकलाई के बहुत बहादुर जवान हैं और ये तंगधार कुपवाड़ा से बिलोंग करते हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद भी अभी जब तंगधार में एक अवलांच आया जिसमें कुछ जवान इंडियन आर्मी के फंस गए, तो इन्होंने रिटायर होने के बावजूद वहां पर आकर के जवानों को वहां से बचाने में मदद की और एक जवान को जिंदा निकालने में अपना कार्य इन्होंने वहाँ पर सम्पन्न किया। मैं अपनी तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से सूबा मेजर ऑनरी कैप्टन मोहम्मद इलियास साहब को, जो कि तंगधार से बिलोंग करते हैं, एक बहुत उम्दा कार्य के लिए, एक जान बचाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये हमारे असली हीरो हैं, ये वो हीरो हैं जिनके दिल में जज्बा है, इंसानियत का जज्बा है, कश्मीरियत का जज्बा है, ये वो हमारे हीरो हैं और इनको बहुत बहुत सलाम।